अरे ये तो वायग्रा लेता था। देखो जब वायग्रा लेगा तो यही होगा। हाँ पैंट चोद, हाँ लिया वायग्रा। Who's paying the price for it? Me। अब बोलोगे दारू पीता था। हाँ कभी दारू में मिला के प्रोटीन नहीं पिया, इसलिए उनका लीवर आज भी सेफ है। दूसरी बात, उन्होंने कभी भी प्री वर्कआउट के साथ वायग्रा नहीं पी। तरुण गिल का एंग्री रिप्लाई आ चुका ऑल बॉडी बिल्डर्स के लिए जो उनको पोक कर रहे थे। एंड यहाँ पर नितेश सोनी को भी इनडायरेक्ट रूप से क्या कहा गया उसको भी देखेंगे, क्योंकि नितेश सोनी ने तरुण गिल को सपोर्ट करते हुए दो वीडियो बनाए थे। तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएगा क्या यहाँ पर तरुण गिल एंड नितेश सोनी को कहा जा रहा है या फिर किसी और को कहा जा रहा। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम नितेश सोनी ने तरुण गिल को सपोर्ट करते हुए क्या कहा था उसको सुनेंगे, फिर उसके बाद अपने टाइगर भाई एंड हिमांशु शर्मा का क्या रिएक्शन आता उसको देखेंगे, एंड कल अमित आगरे के कोच कृष्णा पटेल ने क्या कहा था उसकी अपडेट हमने आपको कल ही दे दिए थे। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। एंड वीडियो के लास्ट में हम आपको तरुण गिल का क्या रिएक्शन आता है, तरुण गिल क्या रिप्लाई करते हैं उसको सुनेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को इसी प्रकार से बॉडी बिल्डिंग के सबसे पहले अपडेट चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा। अभी जो रिसेंटली हमारे एक इन्फ्लुएंसर भाई है तरुण गिल, उनकी सबसे पहली बात तो उनको हैट्स ऑफ है, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने आके सब कुछ सच रखा है ताकि कुछ और बच्चे उस लाइन में नहीं जाएं। उन्होंने आपके सामने दोनों साइड रखे हैं, एक साइड जब इंसान ड्रग पे होता है तो वो कैसा बिहेव करता है, और एक साइड जब वो ड्रग छोड़ता है उसकी बॉडी कैसी हो जाती है, जहां से शुरू किया था वापिस वहीं पे है। क्या करोगे ऐसी बॉडी का, क्या करोगे ऐसे मसल्स का, क्या करोगे ऐसे सिक्स पैक का कि जो बाद में रहने वाले नहीं है। क्योंकि मैंने आज देखे 18-18 साल के बच्चे, 20-20 साल के बच्चे खुद आके अपने आप पीछे इंजेक्शन करते हैं, खुद लगा लेते हैं, उनको डर नहीं है किसी बात का, खौफ नहीं है उनको बात को। रियल इन्फ्लुएंसर वो होता है जो अपनी गलती करता है, अपनी गलती से सीखता है और फिर आपको उस गलती से बचाता है। दैट इज कॉल्ड रियल इन्फ्लुएंसर। आप सबके जय श्री राम, कैसे हैं आप सभी। तो रिसेंटली आपको पता है तरुण गिल भाई ने आपको सच्चाई बताई है शॉर्टकट यूज करने की, और उन्होंने क्लियर मेंशन किया है सोशल मीडिया लाइफ और बॉडी बिल्डिंग लाइफ बहुत अलग है, और कुछ नमूने हैं आजकल जो आके सरेआम बताते हैं कि ये आप इतने का साइकिल चला लो, इतना साइकिल चला लो। मैं एक बात समझा देता हूँ आप लोगों को, जहां से आप शुरू करोगे वहीं आप आ जाओगे। जाएगा क्या आपकी मेहनत, आपका पैसा और आपके शरीर के ऑर्गन, अभी भी वक्त है सुधर जाओ। लाइव एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, शॉर्टकट तरीके से कुछ भी नहीं होने वाला, जान आपकी जाएगी, परिवार आप नहीं बना पाओगे, पैसा आपका जाएगा, टाइम आपका जाएगा, मेहनत आपकी जाएगी, और जहां से शुरू किया वापिस वहीं धक्के खाते रह जाओगे। अभी भी वक्त है, जो ये नमूने आके बताते हैं ना कि 2 ml लगा लो हफ्ते का, 3 ml लगा लो हफ्ते का, ऐसे लोगों को छोड़ दो, ये जिंदगी तुम्हारी बर्बाद कर देंगे। ना तो तुम नीचे से काम करोगे ना तुम ऊपर से काम करोगे, मर्जी तुम्हारी है। एंड हैट्स ऑफ तरुण भाई जिन्होंने सच्चाई आपको बताई है। तो ये वीडियो उन नमूनों से भेजना कि ये सच्चाई होती है शॉर्टकट यूज करने की, बॉडी बिल्डिंग ऑनलाइन नहीं होती है, ये बात याद रखना। और सोशल मीडिया पे 4 photos डालने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो आप लोग, मौका है अभी भी सुधर जाओ। तो ये नमूने आके बताते हैं ना तुम्हें, इतना लगा लो उतना लगा लो, बाद में तुम्हारा रिप्लाई देना बंद कर देंगे। तो हाथ जोड़ के विनती है, अपनी जान को दांव पे मत लगाओ, जान है तो जहान है, मर्जी तुम्हारी है, जिंदगी तुम्हारी है, पर माँ बाप भी तुम्हारे हैं, मर्जी तुम्हारी है कि माँ बाप ने तुम्हें अपने लिए पैदा किया है या तुम्हारे आग लगाने के लिए पैदा किया है। जहाँ से तुम्हें नेम फेम मिला, लोगों ने तुम्हें जाना, आज तुम उसी चीज को बदनाम कर रहे हो। इन्फ्लुएंसर और बॉडी बिल्डर, ये दोनों का मिक्सर है। ये लोग इतने गिर चुके हैं कि कंटेंट बनाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये स्टेरॉइड भी ले सकते हैं, ये मैगी भी बेच सकते हैं, और फिर जिस चीज से ये बने, खुद ने साइकिल ली, कॉम्पिटिशन खेले, तो कुछ नहीं, अब कुछ उखाड़ नहीं पाए लाइफ में, तो अब लोगों को ज्ञान पेल रहे हैं घर में बैठ के कि यार ये सब मत लेना, मैं तो मरते मरते बचा हूँ, मुझे तो हार्ट अटैक आते आते बचा है, मेरा सांस चल जाता था, और मैं जब साइकिल पे था तो मैं इतना पागल हो गया था कि मैं लोगों को कुछ भी गाइड कर रहा था, कुछ भी बता रहा था। मैं भी बहुत लंबे टाइम से साइकिल पे हूँ, मैंने तो कभी नहीं बोला किसी को कि तू भाई ये मैगी खा ले, चाउमीन खा ले, हमारा तो दिमाग नहीं चटका। और भी बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने कभी इस तरीके के कॉन्टेंट नहीं बनाए, और तुम ये भी जानते हो कि तुम किसी भी चीज में कुछ नहीं उखाड़ सकते। तुम ना तो बॉडी बिल्डिंग में कुछ उखाड़ पाए तभी तुमने स्टेरॉइड लिया। और वैसे प्रभु ये सारी चीजें आपको सब कुछ कर लेने के बाद याद आती है, सबको पता है तुम लोग कंटेंट के लिए कितना गिर चुके हो। ऐसे मिक्सचर बॉडी बिल्डर और इन्फ्लुएंसर को आप लोग फॉलो मत करो, ये कुछ नहीं है। आज मैं कह रहा हूँ अब 2-4 महीने ये इस तरह का कंटेंट बनाएंगे, इस पे कुछ नहीं इनको मिलेगा, व्यूज नहीं आएंगे, फिर ये दूसरा कुछ देखेंगे, हो सकता है फिर से साला बॉडी बिल्डिंग में आ जाएंगे। हाँ ठीक है, स्टेरॉइड बेकार है, नहीं लेने चाहिए, साइड इफेक्ट्स है, लेकिन ये सब चीजें आपको तभी क्यों याद आती है जब आप अच्छा नेम फेम कमा लेते हो। तो भाई ऐसे लोगों से दूर रहो।
राम राम मेरे भाइयों, कैसे आप सब लोग। तो वैसे तो मैं हमेशा आप लोगों के सामने जिम की, डाइट की, यही सब चीज रील बनाता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ लोग ज्यादा फेमस होने के चक्कर में कुछ भी डाल रहे हैं। जैसे कि लोगों ने बोला अभी अभी रिसेंटली कि कुछ टाइम पहले मैंने एनाबॉलिक लिए थे और एनाबॉलिक से मेरा लीवर किडनी दोनों खराब हो गए और आप मेरी बॉडी देख रहे हो लटक गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा एनाबॉलिक उन्हीं लोगों के गाइडेंस में लेने चाहिए जो कि बहुत अच्छे कोच है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी तो कुछ एज भी नहीं होगी, आपको बता देता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि बॉबी सिंह का नाम सुन लेना, मिस्टर एशिया रह चुके, मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं और आज उनकी एज मे बी शायद 50 प्लस होगी और आज भी बहुत ज़्यादा फिट है। रीज़न बताता हूँ, उन्होंने जिम नहीं छोड़ा, उन्होंने डाइट नहीं छोड़ी, उन्होंने अपना वर्कआउट नहीं छोड़ा और तो और उन्होंने कभी दारू में मिला के प्रोटीन नहीं पिया, इसलिए उनका लीवर आज भी सेफ है। दूसरी बात, उन्होंने कभी भी प्री वर्कआउट के साथ वाइग्रा नहीं पी, ना ही वाइग्रा के लिए किसी को सजेशन किया, जिसके कारण बीपीआई होता है और बीपीआई होने के चक्कर में आपकी किडनी खराब हो जाती है। आती है तीसरी बात यह है कि लोग बाग बोल देते हैं कि भाई प्रोटीन मत पियो, प्रोटीन के बदले आप प्रोटीन सत्तू को लेके दूध में डाल के पियो। वो लोग भी ये बोल रहे हैं कि प्रोटीन के बदले दूध में डाल के पियो, तो वो लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि एनाबॉलिक से दूर रहो वरना थोड़े टाइम के बाद आपकी स्किन लटक जाएगी, आपकी बॉडी लटक जाएगी, आपका एक्स वाई जेड जो भी हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे लोग जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमारा जितेंद्र सिंह बहुत ही ज़्यादा बड़ी पर्सनैलिटी है, नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, अभी रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आए हैं, उनकी बॉडी देख लो, आप लोगों के सामने ही है। ये वो लोग हैं जो हमारे इंडिया को बाहर रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी बॉडी देख लो। तो एक बात जो मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, बट लेट मी से दैट अगेन टू ऑल ऑफ यू, सो जो भी मैं वीडियोज बना रहा हूँ, दिस इज ऑल माई एक्सपीरियंस, माई प्रॉब्लम, माई मिस, ये जो मैंने गलतियाँ करी, इसमें कोई ट्रेनर का हाथ नहीं है, कुछ नहीं, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन डिसीजन। रहा सवाल बॉडी बिल्डिंग का, बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट स्पोर्ट। मैं ये वीडियो बॉडी बिल्डिंग के बारे में नहीं बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो फिटनेस को लेकर बना रहा हूँ, बिकॉज आजकल लड़के फिट रहने के लिए दे इंजेक्ट ऑल दीज शॉर्टकट्स एनाबॉलिक्स इन टू देयर बॉडी। सो ये वीडियो अवेयरनेस है उन लोगों के लिए, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी बॉडी बिल्डर्स, आई हैव नथिंग अगेंस्ट बॉडी बिल्डिंग, एक्चुअली आई रिस्पेक्ट दैट स्पोर्ट, बट ये वीडियोज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ जनरल गाय हु इज इन टू फिटनेस। सो प्लीज डू नॉट मिक्स द टू, बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, मेरी यही बॉडी है, गौर से देख लो, और मजाक बनाना है बना लो, बॉडी शेमिंग करनी है कर लो। हाँ, मेरे मेल बूब्स हैं, बिकॉज दिस इज रियल मी। हाँ, मेरे एब्स नहीं है, और कई लोग तो यहाँ तक चले जाएंगे मेरे प्राइवेट पार्ट्स में प्यूबिक हेयर है। हाँ, व्हाट यू गोना सी इज ओनली गोना बी रियल। मुझे कोई मुखौटा नहीं पहनना ये दिखाने के लिए, ओ मेरी बॉडी देखो, ओ मेरे एब्स देखो, लुक एट मी, आई एम सो परफेक्ट। लेट मी टेल यू, नोबडी इज परफेक्ट। इस बॉडी में तुम्हें बहुत चीजें तुम मेरे बारे में बोलोगे, अरे देखो इनके तो आम सूख गए, अरे ये तो वाइग्रा लेता था, देखो जब वाइग्रा लेगा तो यही होगा। हाँ, पैंट चोद, हाँ लिया वाइग्रा, हूज पेइंग द प्राइस फॉर इट, मी। अब बोलोगे दारू पीता था, हाँ मैंने कैमरे पे दारू दिखाई, बट किसी ने वो नहीं देखा कि दारू के बाद का मैसेज क्या था, डोंट ट्राई दिस, बट फक इट, इट्स माय मिस्टेक, आई ओन अप फॉर इट, यस आई फकिंग डिड इट। हर जाना भी मैं भुगत रहा हूँ ना, इससे क्या सीखने को मिलता है तुम्हें? इफ यू पुट शिट इनटू योर बॉडी, योर बॉडी विल गेट शिटियर।